अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आ रही हूँ अपने मैंने बाल अपने ब्लो ड्राई घर पर कैसे करती हूँ। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर किसी को हेल्प चाहिए अपने बाल स्ट्रेट वगैरह करने में और यू नो जस्ट इन जनरल जस्ट वॉच हैव अ कप ऑफ टी एंड वॉच माई वीडियोज एंड दैट्स इट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए ये मैंने अपने एट होम बाल किस तरह मैं अपने बाल जो है ब्लो ड्राई करती हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लो ड्रायर बाय की है और मैंने आज वही यूज़ की है और मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको किस तरह यूज़ करना है और अपने घर में इस तरह वॉल्यूमाइजिंग अपने बाल कैसे करने हैं और किस तरह से आप अपने घर पे ब्लो ड्राई कर सकते हैं। सो यूजुअली जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हमने हेयर ब्लो ड्रायर चाहिए होता है, फिर ब्रश चाहिए होता है और फिर बाल भी संभालो, सब कुछ करो। तो ये चीज़ है, मैं ये रेवलॉन वन स्टेप हेयर स्टाइलर है, ये रेवलॉन की, ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है, विच इज़ रियली 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 गुड। आई एम सो हैप्पी दैट आई बॉट दिस, क्योंकि ये लाइफ बहुत ज़्यादा इजी कर देती है। इसको बिल्कुल इजी है, ये ब्लो ड्रायर और ब्रश एक ही साथ है, जिससे आपके जो है वॉल्यूमाइजिंग जो है बाल भी हो जाएंगे, स्ट्रेट भी हो जाएंगे और फ्रिज वगैरह जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। सो ये इस तरह से कुछ है। बहुत लाउड है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ ड्रायर, हेयर ड्रायर। तो आपने बस क्या करना है, अपने बाल लेने हैं और इसको आपको बंद करके दिखा देती हूँ। वैसे तो आप पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे, लेकिन ये है कि आप इसको बस ऐसे करें और अपने बाल ब्रश करते रहें, स्लोली ऐसे करें, ब्रश करें। तो ये है कि आपके इससे जो बाल है बिल्कुल वॉल्यूमाइजिंग स्ट्रेट हो जाएंगे। अभी हम लोग फ्लैट आयरन वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, बाल बहुत फ्लैट हो जाते हैं, वॉल्यूम नहीं होता और बहुत थिन लगते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने से आपके बालों में वॉल्यूम आ जाता है और स्ट्रेट भी हो जाते हैं। सो आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल सिर्फ स्ट्रेट किए हुए हैं और कुछ नहीं है मेरे बालों में, ये मेरे माशाल्लाह से नेचुरल हेयर है। तो और मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ का वगैरह नहीं किया है, ये मैंने बस हेयर प्रोटेक्टेंट जो है वो यूज़ किया है और आप देख सकते हैं इससे फ्रिज वगैरह जो है कुछ भी नहीं बनता और आपको जिस तरह चाहिए आप उस तरह से आप अपने बाल कर सकते हैं। सो मैं भी यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी अपना डेमो के मैं किस तरह ये यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और आप ये आप अमेज़ॉन से कहीं से भी बाय कर सकते हैं, इट्स लाइक $60। सो या सो लेट्स गेट इनटू द डेमो नाउ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से जो है यूज़ करना है। आप देख सकते हैं बस आप अपने सेक्शन कर लें बाल थोड़े थोड़े से, अगर आप थिन हैं तो 3-4 सेक्शन में ही आपके बाल आराम से हो जाएंगे। मेरे बाल थोड़े हैवी हैं तो इसीलिए मुझे थोड़े ज़्यादा सेक्शन करने पड़े थे। बेहतर होगा आप बैक से शुरू करें और ऊपर और नीचे दोनों जगह से आप ब्रश डाल के, लाइक जैसे कभी ऊपर रखा है फिर उसको पुल करें, फिर नीचे करें उसको पुल करें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अभी मैं ऊपर से कर रही हूँ इसको और बाल ऊपर से करके इसको पुल करें और फिर थोड़ी देर में नीचे से भी आपने करना है सेम थिंग। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, ताकि जो वॉल्यूम है वो दोनों तरफ से करने से ही आएगा। अगर आप सिर्फ एक तरफ से करते रहेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। मेक श्योर करें कि आप ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से करें, ताकि जो वॉल्यूम है आपके बालों में बिल्कुल सही से आ जाए और बाल बिल्कुल जो है सही से ड्राई हो जाएँ। और ये बाल और ये जो है बालों को डैम्प करना है। मेरे बाल फ्रेशली वॉश्ड थे, मैं सुबह ही वॉश किए थे अपने बाल और ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं 80%, 20% अभी भी वेट थे। तो मैंने ये इसको यूज़ किया है। आप वैसे इसको ड्राई बालों में भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट करने के लिए। बिल्कुल वेट होंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ये याद रखें कि ये बहुत ही बिल्कुल है ड्राई की तरह बहुत ही हॉट है, तो बिल्कुल जब फेस के बहुत करीब होती है तो बहुत ज़्यादा हीट आती है आपके फेस पर, तो उस चीज़ का बस ध्यान रखें। और ये बालों को भी काफ़ी ज़्यादा पुल करती है, तो जिस तरह के एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ ब्लो ड्रायर। अगर आप लोगों ने कभी करवाया हो ब्लो ड्रायर तो आपको पता होगा कि ब्लो ड्रायर में किस तरह बाल पुल होते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ ही होती है। इट जस्ट लाइक वो जो है ब्रश जो है वो अटैच्ड है हेयर ड्रायर के, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। सो और इसके अंदर से हीट भी बहुत ज़्यादा गर्म आती है, दो हीट्स हैं इसके अंदर, एक वार्म है और हॉट है,
तो मैंने हमेशा हॉट ही यूज़ करती हूँ, मैं वार्म वाली यूज़ नहीं करती, फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अनलेस के आपके बाल मे बी शायद ड्राई हो तो आप उसमें ड्राई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से, आप चाहें तो जिस कहीं पे भी आप चाहें फ्रंट के, अगर आपने दूसरी तरफ करना है लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, आप अपनी हिसाब से आप कर लें। मुझे हमेशा अपने जो बैंग्स हैं लेफ़्ट साइड पर ही पसंद है, लाइक इसको स्वाइप जो है लेफ़्ट साइड पर ही करती हूँ, तो इसीलिए मैं इसी तरह ही हमेशा अपने बाल रखती हूँ। तो आप मेक श्योर करें आपको पता होगा आपके बाल किस तरफ ट्रेंड है, तो यही चीज़ है बस आपने ध्यान रखनी है। और आप देख सकते हैं मेरे बाल ऑलमोस्ट माशाल्लाह हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं अपने बस अपने जो आगे का जो एरिया है वो करूँगी। और ये मेरी बेटी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है यही होता है। और ये आप देख सकते हैं बालों को जो है मैं थोड़ी, अगर आपने अपने बाल थोड़े वो देने हैं ऊपर से फ्लफ़ी जैसे भी मैं दे रही हूँ, तो सिर्फ 5-10 सेकंड्स के अलावा अपने बालों को वहीं पे होल्ड करें। तो आपको देखें माशाल्लाह से बिल्कुल बाल जो है मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और वॉल्यूमाइजिंग भी हो चुके हैं। जहाँ जहाँ से आपको वॉल्यूम देना है आप वहाँ से बाल उठाएँ और ब्रश करना शुरू कर दें, तो वहीं जगह पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह मैं चाह रही थी कि क्राउन एरिया में जो है थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो इसीलिए मैंने वहाँ थोड़ा ड्राई किया है ये। अगर आप हेयर ड्रायर की ब्रश से भी आप सेम चीज़ ही कर सकते हैं, अगर आप दोनों होपफुली आप लोगों को डेमो अच्छा लगा हो कि मैं किस तरह अपने बाल जो है यूज़ करती, बालों के लिए ये यूज़ करती हूँ। पहले जो मैं हमेशा ड्रायर और ब्रश वगैरह यूज़ करती थी, फिर अगर कर्ल करने हो तो फिर कर्लिंग वन, अभी भी क्या कर्ल तो इससे नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वॉल्यूमाइजिंग स्ट्रीट ज़रूर हो जाएंगे। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपके पास और कोई भी सजेशन है वगैरह जो आके आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और या मैंने एक और फिल्म ट्यूटोरियल और भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ डालती रहती हूँ, आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैं मोस्टली मेकअप रिलेटेड ही वीडियोज़ करती हूँ और समटाइम्स मैं व्लॉग वगैरह और कुकिंग की रेसिपीज़ वगैरह भी डाल देती हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।